Hello, my dear students. Hope you all are doing well. This is Miss Fiza Anjum, your teacher for the grammar. This is a grammar tree book. Please open your book, page number 12, for the chapter number 4. That is apostrophe. This topic is little bit dry, but very interesting and very useful for you. So please pay attention on this lecture. So let's read. In book 2, you have seen how the apostrophe together with an S is added to a noun to show the possessions. That is to show that something belongs to some person or living things. जैसे कि आपने book 2 और वी कैन से इन chapter number 2 और chapter number 3 जिसके कि मैंने आपको पढ़ाया था possessive noun, जिसमें हमने possessive पे आखिर में हमने apostrophe का मतलब होता है this is a sign of apostrophe जो कि हम हमारे कीबोर्ड में भी शो हो रही होती है look at your picture. तो ये जो apostrophe है वो कहाँ पे यूज़ होती है कहाँ पे नहीं होती, इसका यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये आप पढ़ते हैं ग्रामर की पंक्चुएशन में जहाँ पे फुल स्टॉप लगता है कहाँ पे कोमा लगते हैं. तो कोमा दिस इज सिमिलर लाइक अ कोमा, मगर कोमा जो होती है वो फुल स्टॉप की जगह होती है, मगर apostrophe होता है वो जो लव्स के ऊपर होती है. और ये हमें कह रहा है कि apostrophe जो होती है वो हमें शो कराती है कि कोई चीज़ किसी बंदे से अगर बिलोंग करती है तो उसका जो कनेक्शन है उसको शो करने के लिए हम apostrophe लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शाजियाज हेयरबैंड, वासिफ़्स कैमरा, माई फादर्स कार. तो यहाँ पे हमने शाजियाज के लिए हमने शाजिया का हेयरबैंड है, तो दिस इज़ अ हेयरबैंड ऑफ शाजियाज. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर हम सिंपल टू वर्ड्स में लिख सकते हैं दिस इज शाजियाज हेयरबैंड या शाजियाज हेयरबैंड. ठीक है, तो शाजियाज के लिए हमने क्या किया, apostrophe लगा के हमने एस लग दिया. ये जो है ये कनेक्शन दिखा रहा है, जो ये हेयरबैंड है ये शाजिया से बिलोंग करता है. सो बिलोंग करने के लिए हमने नाम के आगे सिर्फ एस लगा देना है apostrophe लगा के, तो उसमें क्या होगा उसकी पोजीशन हमें फाइंड हो जाएगी. वासिफ कैमरा मतलब ये जो वासिफ है उसके हमने आगे एस लगा दिया apostrophe लगा के, फिर हमने कैमरा लिख दिया, दैट मीन्स ये कैमरा जो है ये वासिफ की है. अगर आपसे कोई पूछता है ये किसकी कैमरा है तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ वासिफ कैमरा. तो हमने जब apostrophe लगा देते हैं तो वो उसका कनेक्शन बता रहा होता है. द हेयरबैंड दैट बिलोंग्स टू शाजिया, द कैमरा दैट बिलोंग्स टू वासिफ, द कार दैट माई फादर्स ओन. मतलब कि ये जो होती है ये यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें apostrophe है, उसके सामने उसका फुल डिटेल सेंटेंस लिखा हुआ है कि आखिर क्या कह रहा है. आइदर यू हैव टू राइट आर यू जस्ट वांट टू राइट इन अ टू वर्ड्स. टू वर्ड सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम ज़्यादातर हैं apostrophe यूज़ करते हैं. बट हियर आर सम रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल यूजिंग दिस apostrophes. सो apostrophe यूज इन टू टर्म्स, दैट इज कॉन्क्रिएशन एंड पोजिशन. सो कॉन्क्रिएशन में हम क्या करेंगे, वेन द लेटर्स आर मिस्ड आउट ऑफ द वर्ड्स टू, जैसे कि डू नॉट का हमने लिख दिया डोंट, आई विल का लिख दिया हमने आई विल, तो इसका जो होता है ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. जैसे कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं डू नॉट का डोंट, आई डोंट लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दिस हम नहीं कहते, हम आई डोंट कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट गो देयर. तो वो जो लव्स होते हैं उनको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं apostrophe लगाते हैं. जैसे कि हमने जी ओ एन लिख के apostrophe लगा के टी लिख दिया है, जैसे कि डू नॉट का डोंट हो गया. आई विल का भी हमने डब्ल्यू आई जो है वो स्किप कर लिया है, एंड आई विल का आई के आगे हमने apostrophe लगा के डबल एन लगा दिया. बट दिस इज कॉन्क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करके उसका शॉर्ट फॉर्म निकालना. एंड देर इज़ एन अदर वे दैट इज़ पोजिशन. पोजिशन का मतलब होता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू समवन, मतलब कि पोजिशन मतलब कि पजेसिव नाउन, दिस इज टर्म ऑफ द पजेसिव नाउन. जैसे कि हम पजेसिव नाउन में पढ़ किया है कि किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ कोई चीज़ अगर बिलोंग करती है तो उसका कनेक्शन दिखाने के लिए हम उस नाम के आगे हम apostrophe लगा के एस लगा देते हैं. इसका मतलब होता है ये चीज़ इसकी है, जैसे कि टॉबीज जंपर, साराज डॉग. सो इफ़ यूर apostrophe इज़ नॉट डूइंग वन ऑफ दीज थिंग यू डोंट नीड इट. अगर आपके जो अगर आप ऐसा कोई वर्ड लिख रहे हैं जिसमें ना ही कॉन्क्रिएशन है ना ही पोजिशन है तो आपको उस वक्त apostrophe की ज़रूरत नहीं होती है. देयर इज़ अ वेरी इजी एक्सरसाइज दैट इज़ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग apostrophe वेयर एवर पॉसिबल.
सम सेंटेंसेस में नॉट नीड एपोस्ट्रोफीज. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दीज आर ऑलमोस्ट 15 सेंटेंसेस. आपको उसमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफी लगानी है जहाँ पे नीड है, और ऑलमोस्ट जो बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जिसमें एपोस्ट्रोफी की नीड नहीं भी है. अगर आप ये एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो आपको एपोस्ट्रोफी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. फिर आप खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ हमें एपोस्ट्रोफी की नीड होती है, कहाँ नहीं होती. So please take a screenshot of this exercise and you have to done it by yourself at your home. We will meet inshallah with the next chapter, that will be chapter number 5. Till that, thank you. Khuda hafiz.